रोज रोज़ सोचकर परेशान है कि क्या बनाएं ब्रेकफास्ट में तो ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है जो बनाना भी बहुत आसान है चले बनाना शुरू सबसे पहले एक कप सूजी में मैंने करीबन आधा कप जो है इसमें मठा डाल दिया है जो बटर मिल्क है वो डाल दिया आप इसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं खट्टा कोशिश करिए खट्टा जो दही मठा यूज़ करें आप बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे दस पंद्रह मिनट रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ साइड में जैसे ही रेस्ट हो रहा है तब तक हम आधा प्रिपरेशन कर लेते हैं मेरे पास ये लौकी मैंने इसमें इस रेसिपी में आधी लौकी यूज की है और ध्यान दीजिएगा इस लौकी में जो है दानी ना हो एकदम जो छोटी वाली ताजी वाली लौकी होती है ना सेम वही वाली लौकी आपको लेना है और बस इस लौकी को हमने 10 मिनट रेस्ट करा कर उसमें डाल दे थोड़े से हरी मिर्च एक प्याज एक टमाटर और खूब सारा धनिया पत्ती डाल दीजिए और भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें खूब सारी वेजिटेबल के साथ ये बनता है और बस स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए उसमें थोड़ा आधा चम्मच जीरा डाल दिया है मैंने आधा चम्मच जो है इसमें भुना हुआ जीरा और साथ में मैंने इसमें फ्लेक्स एक चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच जो है गर्म मसाला डाल दीजिए ये सारी चीज़ों को हम डाल कर अच्छे से मिक्स कर दें अगर पेस्ट आपको गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा, जैसे जिस इतना पानी आपको डालना है जितना ही आप इसे बैटर को फैला सकें कुछ इस तरह से बस तो ऐसे सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए अगर आपको मेरी रेसिपीज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन तो जो भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे चलिए जैसे हमने थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत पड़ी उसके बाद हमने डाल दिया और बस तवा गर्म करने के लिए रख दिया है साइड में तवा गर्म हो जाए बस इसमें मैंने फैला दिया है इसको थोड़ा सा ऑयल साइड साइड में इसमें फैला दी जिससे थोड़ी जल्दी से कुक हो जाए बस उलट पलट कर हमें इसे क्रिस्पी होने तक सेकना है बहुत ही क्विक सा और हेल्दी सा यह चीला बनता है ज़्यादा ऑयल की भी जरूरत नहीं लगती और इतना ज्यादा टेस्टी लग सो बनाइए एंजॉय करिए बाय